हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं बजाज फिनसर्व के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 31 जुलाई 2023 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ भी ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक बना डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स से दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहाँ से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले बजाज फिनसर्व में आज के दिन क्या हुआ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन स्टॉक में हमें देखने मिला है 1.84% का नेगेटिव मूव। 1584.85 पे हमें क्लोजिंग देखने मिल रही है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई पॉजिटिव मूवमेंट आने वाली है उस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपका यहाँ पे कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए जाते हैं वन डे के चार्ट में, बात करते हैं आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। मैं बात करूँ वॉल्यूम के, एवरेज सा वॉल्यूम हमें देखने मिल रहा है। कैंडल यहाँ पे मीडियम साइज की, नीचे की समय थोड़ी सी छोटी, ऊपर की समय बारीक से भी देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ RSI की, RSI हमारा 48-49 के ऐसा, यानी कि एकदम ही न्यूट्रल, यानी कि दोनों साइड का इशारा दे रहा है। इसके वजह से यहाँ पे मैं कई बार कहता हूँ चाहे RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, कई और सारे फैक्टर्स होते हैं उसे भी हमें कंसिडर करना चाहिए। बाकी यहाँ पे अब रही बात मेरे ओपिनियन के स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर जो है एक नेगेटिव मूव का है एक्सपेक्टेड। थोड़ा सा मैं डाउन साइड जो अराउंड 1563 के आसपास देखने में, अगर उसको क्रॉस करने का मूवमेंट हमें जो है 1542 तक आते देखने मिल सकते हैं। बाकी स्टॉक में ट्रेंड जो है अभी भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा इंट्राडे में जितना हो सके बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा और वहीं पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेवल्स बनते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको बाइंग करनी है तो स्टॉक कभी भी आपको यहाँ पे 1606 के ऊपर अगर दो दिन तक सस्टेन करते हुए देखने मिले जरूर वहाँ पे बाइंग करें। वहाँ से आपको 5-10% का इजिली अपसाइड मूव जो है 10-15 ट्रेडिंग डेज के अंदर आते हुए देखने मिल जाएगा। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करनी है करंट प्राइस में रेकमेंड नहीं करूंगा। मैं तो कहूँगा स्टॉक का आराम से गिरने दे। स्टॉक अभी भी आपको जो यहाँ पे अराउंड 1538 के आसपास आते हुए देखने मिले जरूर वहाँ पे बाइंग करें, लेकिन 100% कैपिटल ना डाले, 20-25% तक आप कैपिटल डाले। बाकी आप कैपिटल आप होल्ड करके रखें, जब भी एडिशनल डाउनफॉल आपको 10-20% का देखने मिले तब आप वहाँ पे एडिशनल बाइंग करें। याद रखना एडिशनल बाइंग आपको हेल्प करेगा अपना बाइंग एवरेज प्राइस को जो कम करने में, और जितना बाइंग एवरेज प्राइस आपका लॉन्ग टर्म के लिए कम होगा उतना ही बढ़िया प्रॉफिट आपको लॉन्ग टर्म में देखने मिलेगा। बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए वन आर के चार्ट में बात करते हैं कल के दिन क्या देखने मिलने वाला है। यहाँ पे वन आर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, कुछ सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस भी यहाँ पे मार्क्ड है, तो फिलहाल कोई मार्किंग्स करने की जरूरत नहीं है। जूम करके बात करूंगा इसके क्लोजिंग की। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो वो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स से एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँ क्लोजिंग की, तो यहाँ पे 1582 के आसपास क्लोजिंग हुई, डायरेक्ट सपोर्ट आता 1581 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता 1592 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक कल के दिन घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक हमारा क्रॉस हो और फिर कन्फर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता कन्फर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है उसको आप जरूर देख लें, वहाँ पे मैंने आपको हर एक चीज़ समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट आपको दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो आपको बता देता हूँ। तो डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 1571 का, उसके बाद 1564 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 1602 का, उसके बाद 1613 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए हैं जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे कल के दिन का ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ मेरा ओपन स्टॉक में जरूर यहाँ पे एक पॉजिटिव मूव का एक्सपेक्टेड है। 1592 से लेकर 1602 के रेंज में हमें क्लोजिंग जो देखने मिले, थोड़ी सी अपसाइड मूव आ सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई तो स्टॉक जो है फिर यहाँ पे नेगेटिव साइड में जाते हुए देखने मिल सकता है। अगर यहाँ पे जो है 1571 जो क्रॉस करते हुए हमें लाइव में मार्केट में जो देखने मिला, तो बाकी कल के दिन यानी कि मंडे के दिन मेरा ओपन पॉजिटिव साइड का इस रेंज में। आपको क्या लगता है मंडे के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।